तेरे करम की इलाही कुछ इंतहा ही नहीं। समुद्री के गांव 449 काबे में दबाग वेलफेयर ट्रस्ट और अन्नूर वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए तमाम 30 जितमाई जोड़ों की शादी की तकरीब सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सलावत गुजर के डेरा पर मुनक्कद हुई। इसमें मुआमने खुसूसी वजीर आला पंजाब व मेंबर सूबाई असम्बली मलक उमर फारूक, बानी सरपरस्त दबाग वेलफेयर ट्रस्ट शेख अहमद दबाग, सीक्रेट लाइफ चैरिटी के चेयरमैन नसीर अहमद, चौधरी सलावत गुजर, हाजी मोहम्मद अमीन कादरी, आर्गेनाइजर दबाग वेलफेयर ट्रस्ट, चौधरी अतिकर रहमान रंधावा अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन समुंदरी, मियाँ आबद फ्राम यूके, मियाँ खुरम शहजाद चीफ एग्जीक्यूटिव यशफा कॉलेज मुरीदवाला, सरपरस्त सिविल राइट्स एसोसिएशन समुद्री मलक नदीम रजा, सदर यंग वेलफेयर सोसाइटी शेख हारून रशाद एडवोकेट, चेयरमैन अल मुजाहद फोर्स मियाँ मुमताज़ अली, जनरल सेक्रेटरी बार राणा बकास अहमद, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम गुजर, नुमाइंदा जंग मीडिया ग्रुप उस्मान कादरी, चौधरी जावेद बजाज समेत इलाका भर की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पहुँचने पर बानी व सरपरस्त दबाग वेलफेयर ट्रस्ट शेख अहमद दबाग का मकामी तंजीम की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। बारातियों और मेहमानों की तवाज़े पुरतकल्लफ खानों से की गई और 30 जोड़ों को जहेज़ का सामान भी ट्रस्ट की जानब से दिया गया। इस मौके पर तकरीब में शरीक दुल्हनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दबाग वेलफेयर ट्रस्ट और अलनूर वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह पाक मेरी आने वाली जिंदगी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, खुशहाल बनाए और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने ये सारे इंतजाम किए हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, अल्लाह पाक और इनको दौलत से नवाजे और इसी तरीके से गरीब और मिस्कीनों को भला करने की तौफीक दे। इस मौके पर सीक्रेट लाइफ चैरिटी के चेयरमैन नसीर अहमद ने कहा कि मुस्तहिक जोड़ों की शादी कराना उनके लिए खुशी का बाइस है। Today we have been gathered to do collective weddings representing the Dabag Welfare Trust and Alnur Welfare Trust from Denmark. Today we're gonna feed 10 people from each side of the family, and also we are giving a full bed and a draw set, and if we come closer there are trunks, sewing machines, irons, dinner bill set, ironing sets, and also big trunks for clothes storings. I think here are the blankets and duvets and like that, and suits, two suits each for the husband and the wife to do the same thing in Samundri, in Faisalabad, in Lahore for different peoples. Are you want to donate by the platform of Secret Life Charity in future? Yes. इस मौके पर बानी दबाग वेलफेयर ट्रस्ट शेख अहमद दबाग ने कहा कि जो दूसरों को खुशियां देता है अल्लाह उनको भी खुशियां अता करते हैं। हर एक को अता करने वाला अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक ने जिसको जो हैसियत दी है उसको वही इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की राह में और अल्लाह की मखलूक की खिदमत में खर्च करना चाहिए। दबाग ट्रस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये सही अब्दुल अजीज दबाग के नाम पर एक चैरिटी है, इंटरनेशनल चैरिटी है। ये पूरी दुनिया से मराद ये कई मुल्कों में जहाँ कहीं भी जरूरत हो, ये एशिया हो यानी उधर यूरोप हो या अमेरिका हो या डेनमार्क हो, मुख्तलिफ मतलब यानी बर आजमों में ये काम करती है। तो इनका मेन काम ये होता है कि जो लोगों की जरूरत है, मसलन शादियों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तंजानिया में मिसाल के तौर पर बहुत काम किया कि वहाँ इस्लामिक हेल्प के साथ मिल के जो है वहाँ बहुत कुएं की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वैसे भी खाने की भी जरूरत है। इस तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ काम होते हैं शादियों के और ये आई कैंप जो काम हो रहा है, मतलब कोशिश की जाती है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मखलूक को फायदा हो और नफा हो, तो ये इंटरनेशनल यानी चैरिटी है पाकिस्तान।